इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर पर अभी फैसला नहीं हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से बातचीत जारी है। यह कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का। अमित शाह ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही है। मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का यह महत्वपूर्ण बयान सामने आया है कि जम्मू कश्मीर पर अभी कोई फैसला भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया है, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के साथ ही बातचीत जारी है। सदस्य के पास बैंक अकाउंट नहीं था, उनको बैंक अकाउंट ओपन करने में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार सफल हुई है और उनका 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट बीमा भी उनको दिया गया है। आदर्श ग्राम योजना वो भी हर सांसद और हर विधायक एक गांव को गोद ले और एक मॉडल जिले में खड़ा करे कि हर गांव कैसा होना चाहिए, इसके लिए भी एक योजना बनाकर लोगों के सामने रखी गई है और उसको अच्छे से सफलता मिली है। मेक इन इंडिया की घोषणा भी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के अपने भाषण में की थी और सितंबर में ही मेक इन इंडिया को शुरू किया गया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देकर रोजगारी का सृजन करना, इस दिशा में मोदी सरकार ने काफी अच्छी पहल की है। रोजगारी के लिए भी हमारे घोषणा पत्र में हमने वायदा किया था कि हम स्किल डेवलपमेंट पर जोर देंगे, भार देंगे, तो स्किल डेवलपमेंट का एक नया डिपार्टमेंट भारत सरकार में खोला गया है, एक पूर्ण समय के मंत्री उसके लिए दिए गए हैं और स्किल डेवलपमेंट के विचार को और सभी पॉसिबिलिटियों को गांव तक परकोलेट करने की एक विस्तृत योजना अभी सरकार में बन रही है। ब्लैक मनी के लिए हमने कहा था कि ब्लैक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को सुन रहे थे आप। अमित शाह का यह कहना था कि जम्मू कश्मीर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अभी कोई फैसला नहीं लिया। आगे इंडिया रिपोर्टर देखेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस।